दोस्तों, इंडियन रेलवे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है, जिसकी कुल लंबाई 68,155 किलोमीटर है। ये रेल नेटवर्क देश के लगभग हर कोने तक फैले हुए हैं, जिसके माध्यम से हम बड़ी आसानी से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकते हैं। पर दोस्तों, इतनी विशाल रेल नेटवर्क होने के बावजूद भी आज हमारे देश में एक ऐसा भी राज्य है जहाँ कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। दोस्तों, इस राज्य का नाम है सिक्किम। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से बहुत इम्पोर्टेंट राज्य है। इसके वेस्ट में नेपाल, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में तिब्बत और ईस्ट में भूटान की इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है। सिक्किम की नॉर्थ बॉर्डर वेस्ट बंगाल से लगती है। सिक्किम सिलीगुड़ी रेल कॉरिडोर के भी काफी नजदीक है। सिक्किम एक पहाड़ी राज्य है, जिसके कारण यहाँ की ट्रेन और वेदर काफी डिफिकल्ट है। इसी के कारण सिक्किम में आज तक कोई भी रेलवे स्टेशन मौजूद नहीं है। वर्तमान में वेस्ट बंगाल के सिवोक से लेकर सिक्किम के रैंकपो तक 44.96 किलोमीटर लंबी रेल लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस रेलवे लाइन में 14 टनल्स होंगे, जिनकी कुल लंबाई 38.5 किलोमीटर होगी और 13 ब्रिजेस का भी निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, इस रेलवे लाइन को बनाने में 4,085 करोड़ रुपीस की लागत आएगी और इस प्रोजेक्ट का डेडलाइन दिसंबर 2022 रखा गया है। तो दोस्तों, आने वाले 3 सालों में सिक्किम हमारे रेल कॉरिडोर के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन तब तक सिक्किम देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है, इसका यूनिक रिकॉर्ड रखता है।